हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको वजन बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमारे चैनल पर वजन बढ़ाने से संबंधित बहुत सी वीडियो है, लेकिन ये वीडियो उन सभी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो लोग बचपन से ही दुबले पतले कमजोर शरीर वाले हैं और तरह तरह की कोशिशों के बाद भी अपना वजन नहीं बढ़ा पा रहे। अगर आप घर बैठे आयुर्वेदिक तरीके से अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप इस 8 से 10 मिनट की वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और इसे फॉलो करते हैं तो आप तेजी से अपना वजन बढ़ा सकते हैं, चाहे आप कितने भी कमजोर शरीर वाले क्यों ना हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। फ्रेंड्स, मोटापे की तरह शरीर का दुबलापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक सही मायने में देखा जाए तो वजन कम करने से ज्यादा मुश्किल वजन बढ़ाना होता है, क्योंकि वजन कम करने के लिए हमें सिर्फ अच्छी एक्सरसाइज ही करनी होती है, लेकिन वजन बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज के साथ साथ एक अच्छी डाइट को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी डाइट लेते हैं, अपने खाने में सभी तरह के न्यूट्रिशंस जैसे दूध, दही, अंडे, घी, पनीर, चावल, इन सभी का अच्छी मात्रा में सेवन करते हैं, लेकिन इनसे उनके शरीर पर कोई असर नहीं होता, वे दुबले के दुबले ही रहते हैं। ऐसे लोगों का वजन बढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए तो है जो लाख कोशिशों के बाद भी अपना वजन नहीं बढ़ा पा रहे। फ्रेंड्स, अपना दुबलापन दूर करने के लिए किसी दवाई नुस्खे या किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से पहले आपको ये जरूर देख लेना चाहिए कि आपको कहीं कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वजन बढ़ने में रुकावट हो रही हो। यदि आपको कोई गंभीर रोग है तो पहले उसे ठीक करने का उपाय करें। इसमें ज्यादा संभावना ये है कि जैसे ही आप निरोगी होंगे तो शरीर से दुबलापन अपने आप ही दूर हो जाएगा, और अगर बीमारी ठीक होने के बाद भी दुबलापन बना रहे तो अभी हम आपको जो आयुर्वेदिक नुस्खा बताएंगे उसे आप फॉलो कीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इनसे आपका वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फ्रेंड्स, आप ये कभी मत सोचिए कि आप मोटे नहीं हो सकते। इस थिंकिंग को आप अपने मन से बाहर ही निकाल दीजिए और खुद पर भरोसा करें, विश्वास करें, क्योंकि आयुर्वेद में किसी भी दवा या औषधि को लेने के बाद व्यक्ति का 33% विश्वास काम करता है, 33% परहेज काम करता है और 33% नुस्खा काम करता है। ऐसा आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा गया है। इसलिए अगर आप कभी भी वजन बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए या फिर किसी और शारीरिक समस्या को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हैं तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर ही उपचार करें। फ्रेंड्स, वजन बढ़ाने के लिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। वजन बढ़ाने के लिए कभी भी गलत खाना, इंग्लिश दवाइयां या इंग्लिश सप्लीमेंट का प्रयोग ना करें, क्योंकि इन्हें बनाने में कई तरह के केमिकल आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे वजन एक बार तो तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप इनका सेवन करना बंद कर देंगे तो समय के साथ आपका वजन वापस कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपने शरीर की ग्रोथ के लिए आयुर्वेदिक व नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। आयुर्वेदिक तरीके से वजन बढ़ाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इससे आपके शरीर को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचती। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार कोई भी उपचार क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, यानी अगर आप अपना वजन बढ़ाने के लिए कोई उपचार या नुस्खा अपना रहे हैं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका वजन न बढ़ने का कारण क्या है। अगर आप बिना कारण जाने कोई भी नुस्खा अपनाते हैं तो ये समस्या दोबारा हो जाती है, आपका वजन दोबारा वापस घट जाता है। इसलिए हम आपको पहले वजन न बढ़ने के कुछ कारण बताते हैं जिन्हें आप ध्यान में रखकर ही अपना वजन बढ़ाएं। सबसे पहला कारण है आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरी, इनकी मात्रा का कम होना। फ्रेंड्स, अगर आप खाना ही अच्छा नहीं खाएंगे, अगर आपके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन एक उबला हुआ आलू खाना है। आलू आप एक्सरसाइज करने से 15 से 20 मिनट पहले खा सकते हैं। उबले हुए आलू के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। कैलोरी की पूर्ति के लिए आपने प्रतिदिन 6 केले जरूर खाने हैं, 2 केले सुबह, 2 केले दोपहर को और 2 केले रात को खाने हैं। केले के अंदर कैलोरी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वजन न बढ़ने का दूसरा कारण है एक्सरसाइज ना करना। फ्रेंड्स, हमारे मसल्स और हड्डियों का विकास तभी होगा जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, इसलिए वजन को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। वजन न बढ़ने का तीसरा और सबसे बड़ा कारण है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र का कमजोर होना। फ्रेंड्स, जो भी हम खाना खाते हैं, पाचन तंत्र उस खाने को डाइजेस्ट यानी पचाने का काम करता है। इसमें हम भले ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी या प्रोटीन वाला खाना क्यों ना खा लें, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो भी हमारा वजन नहीं बढ़ पाएगा।
पाचन तंत्र खाने को ऊर्जा में बदलकर शरीर को पोषण और शक्ति देता है। अगर हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल सही होगा तो हमारा खाया हुआ अन्न का एक एक कण भी हमारे शरीर को लगने लगता है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने एक नुस्खा लेना है। नुस्खा इस प्रकार है, आपने 8 से 10 मुनक्का यानी किशमिश लेनी है और इसमें एक चम्मच शहद को मिला देना है। मिलाने के बाद आपका पाचन तंत्र मजबूत करने वाला नुस्खा तैयार है। इसे आपने रात को सोते समय लेना है। इसे 7 से 10 दिनों तक लगातार लेने से आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जो भी खाएंगे पिएंगे आपके शरीर को लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे की। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर पर नुस्खा नहीं बना पाते। हमारे पास बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन भी बताएं जिसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट्स हो और वो बाजार में आसानी से मिल जाए। इसलिए उन लोगों के लिए हमने एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन ढूंढ दी है जो हमारे नुस्खे के सेम इंग्रेडिएंट वाली है। अगर आप घर पर नुस्खा नहीं बना सकते तो आप मेडिसिन को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। चलिए बात करते हैं नुस्खे को बनाने के लिए आपने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, सामग्री लेनी है, वो किस प्रकार है। अश्वगंधा, सिंघारा, सफेद मूसली, सतवारी, काली मूसली, हरितिका। फ्रेंड्स, आपने 6 प्रकार की सामग्रियां लेनी है और इन सभी को आपस में मिलाना है। मिलाने के बाद आपका वजन बढ़ाने वाला नुस्खा तैयार है। इससे आपने आधी से आधी चम्मच दिन में 2 बार दूध के साथ लेनी है। एक बार सुबह खाना खाने के बाद लेनी है और एक बार रात को खाना खाने के बाद लेनी है। इनके सेवन से कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर में कमाल का फर्क दिखने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप में से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो घर पर नुस्खा नहीं बना सकते। उनके लिए हमने अलग से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ढूंढा है। इसके अंदर आपको वो सभी इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो हमने नुस्खे के अंदर लिए हैं। ये मेडिसिन पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। आप घर पर नुस्खा शायद अच्छे से ना बना पाए क्योंकि सभी लोगों को आयुर्वेद की इतनी जानकारी नहीं होती। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस मेडिसिन का यूज करें। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और ये आपको नुस्खे से सस्ती भी पड़ेगी। ये मेडिसिन आपको कैप्सूल के रूप में मिलेगी। आपने इसके प्रतिदिन 2 कैप्सूल दूध के साथ लेने हैं। 1 कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद और 1 कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद लेना है। फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर कॉल करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये नंबर और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके साथ आपने क्या क्या परहेज करने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे शरीर पर किसी भी नुस्खे या दवाई का असर तभी होता है जब हम उसके साथ परहेज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपने चाय कॉफी से परहेज करना है क्योंकि फ्रेंड्स, चाय कॉफी के अंदर कैफीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर में कैल्शियम को खत्म कर देता है। ज्यादा मिर्च मसाले या ज्यादा तला हुआ खाना खाने से बचें। फ्रेंड्स, ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करने से शरीर के सभी हॉर्मोन्स पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इनके सेवन से ना तो हमारे शरीर को कोई फायदा मिलता है और ना ही किसी किए गए नुस्खे का असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इसलिए जब तक आप इस नुस्खे या मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तब तक अपने फास्ट फूड से परहेज कर दीजिए। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। फ्रेंड्स, हमारे शरीर की ग्रोथ एक्टिविटी रात के समय ही होती है। हमारे शरीर के बाल, नाखून, दाढ़ी, हाइट और वजन रात को सोते समय बढ़ते हैं। इसलिए इस नुस्खे के साथ 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लें। गहरी नींद आपको तभी आएगी जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और रात को जल्दी सो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सब इन बातों का ध्यान रखते हैं और नियमित रूप से ये नुस्खा या फिर ये मेडिसिन लेते हैं और साथ ही अपने पाचन तंत्र के लिए किशमिश या शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने शरीर में दिन प्रतिदिन फर्क दिखने लगेगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बैल के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।